सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू इज लर्निंग. दिस इज मालिका और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यूनिट 3 फॉर एनटीए यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन. यूनिट 3 में का मैराथन सेशन है, एक ही क्लास होगी आपकी और आपकी कंप्लीट यूनिट डिस्कस करूंगी मैं इस क्लास में. ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें यूनिट वाइज आपके टॉपिक हैं, यूनिट 1, 2, 3 सो ऑन, आपके सभी टॉपिक अवेलेबल हैं. तो एक कंप्लीट रिवीजन है आपकी, एग्जाम नज़दीक है तो इस रिवीजन को स्टार्ट करते हैं. देखिए यूनिट 3 आपकी है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, इस पे बेस्ड है. अब एजुकेशन में क्या रोल है, क्यों आपको ये लर्निंग थ्योरीज, ये इंटेलिजेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारे आस्पेक्ट क्यों टीच किए जा रहे हैं, ताकि आप अपने लर्नर को, अपने स्टूडेंट्स को समझ पाए. कुछ एक एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हो जाती हैं कि हर थ्योरी पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो जितना प्रिसाइज और टू द पॉइंट है उतना हम डिस्कस करेंगे. जितनी चीज़ें क्लियर होंगी आपको कि हमें की एलिमेंट्स पे फोकस करना है, और आपको वही याद रहेंगी और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोज़ में या लेक्चर्स जो भी होते हैं तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन पे मैं बताती हूँ कि ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपको की एलिमेंट फोकस करने हैं, उस पर भी ध्यान होगा. अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, मैराथन सेशन स्पेशली जिसके लिए बहुत हार्डवर्क हो रहा है, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को. यूनिट थ्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ठीक है, आपकी यूनिट जैसे सभी यूनिट्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ऐसे ही यूनिट 3 को भी हमने डिफाइन किया है. ये भी फर्स्ट यूनिट की तरह काफ़ी लेंदी यूनिट है. यूनिट फर्स्ट जो है आपकी वो सबसे ज़्यादा लेंदी है, लेकिन ये भी अच्छा खासा सिलेबस है आपका. साइकोलॉजी आ जाएगा इसमें सारा आपका. देखिए यूनिट 3 में फर्स्ट पार्ट है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या कंसेप्ट है, कैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंपैक्ट आता है, इसका कंसेप्ट, इसकी प्रोसेस जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे. स्टेजेस क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जब आप डेवलपमेंट स्टेज पे होते हैं तो क्या स्टेजेस हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया. नेक्स्ट पार्ट है हमारा पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी की ऑलरेडी मैं वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवा चुकी हूँ आपको कि पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, क्या क्या थ्योरीज हैं. वो थ्योरीज आपके फेवरेट की सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है, उनकी थ्योरी, कार्ल रोजर्स की, गॉर्डन आल्पोर्ट की जिन्होंने कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी आपको मैंने याद करवाया था, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, ये ट्रेड्स दिए थे, ट्रेड बेस्ड थ्योरी थी. पर्सनैलिटी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टाइप और ट्रेड. टाइप, ट्रेड, ठीक है, आपका डिवीजन होती है टाइप के अकॉर्डिंग, ट्रेड के अकॉर्डिंग. तो कुछ टाइप बेस्ड होती हैं, कुछ ट्रेड बेस्ड होती हैं, और अलग आस्पेक्ट और फर्दर डिवीजन भी हैं. मैक्स वर्दीवार, कॉर्ट कुल्फा, ये आपकी पर्सनैलिटी से कंसर्न भी आपकी थ्योरीज हैं. फिर इसका थर्ड पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट का ही थर्ड पार्ट, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन. और जो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, मेंटल हेल्थ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. हम सब टोटल आस्पेक्ट डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया, ईजी हो गया. एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन वी हैव पर्सनैलिटी, एंड देन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं आपको. अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की अप्रोचेस की बात की गई कि इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू टेस्ट क्या होते हैं, एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट भी इंटेलिजेंस है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आईक्यू कंसेप्ट किसने दिया था, ये सब चीज़ें हैं. तो बहुत सारे वाइडर एस्पेक्ट हो जाता है आपका, जो आपके टेट एग्जाम है उसमें भी ये सेम चीज़ें आती हैं आपकी. तो यूनिफैक्टर थ्योरी या यूनिट्री टू मल्टीपल का कैसा सफर रहा, यूनिफैक्टर थ्योरी गिवन बाय द बिनिंग, देन आपकी टू फैक्टर बाय दी स्पीयरमैन, देन मल्टीपल पर आए गार्डनर, ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग और गार्डनर की थ्योरी मेंशन है इस पार्ट में. क्रिटिकल थिंकिंग अलग से आपको समझाना है कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्या होती है, कैसे आपकी एबिलिटी इंप्रूव होगी जब आप क्रिटिकल थिंकिंग को समझेंगे. मेटाकॉग्निशन करेंगे हम, क्रिएटिविटी क्या है, ठीक है, इतना है इसका पार्ट. देन थर्ड पार्ट आता है आपको प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग. सबसे ज़्यादा सिलेबस इसी में है, थ्योरीज एंड लर्निंग की. तो बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव एंड सोशल लर्निंग थ्योरीज. एक आपकी अलग से थ्योरी आती है टॉलमैन. देखिए अब आपको जो टॉलमैन है, देखिए कुछ पार्ट में तो हो गए बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक में आपके आ गए स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, ये थे बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर को बताने वाले. कॉग्निटिव आपकी स्टडी ऑफ माइंड, माइंड की एबिलिटी, मेंटल एबिलिटीज, इसमें 2 लोग आ जाते हैं आपके, पियाजे और डेविड ऑसुबेल.
डेविड ऑसरमैन जिन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की थी, फिर सोशल लर्निंग बंडूरा, ठीक है। अब जो आपकी टोलमैन और जो थ्योरी है वो बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिव दोनों के बीच का पार्ट है, ना प्रॉपर बिहेवियरिस्ट में आती है ना ही कॉग्निटिव में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मोलर कंसेप्ट दिया था, अभी सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, मोलर कंसेप्ट दिया था, परपर्सिव बिहेवियर की बात करती है ये, ठीक है। लेटेंट लर्निंग वर्ड दिखेगा, 6 टाइप की और लर्निंग दी इन्होंने बाद में नाम चेंज करके, तो टोलमैन काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, क्लियर। ये थी आपकी प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग। फिर आता है फोर्थ पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, जो आज हम यूज भी करते हैं बहुत जगह, स्कूल्स में अप्लाई होता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस आपको कोई भी दे सकता है, वेदर योर टीचर, पेरेंट, योर फ्रेंड, कोई भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं। उसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री, कोई कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम एनी पर्सन। काउंसलिंग जो गाइडेंस का ही एक पार्ट है, थोड़ी सी जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। गाइडेंस और काउंसलिंग जो गाइडेंस का ही पार्ट है, ये वाइडर कंसेप्ट है तो ये नैरो कंसेप्ट है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का नेचर, प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, जो आपकी तीन टाइप की आती हैं, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। एजुकेशनल गाइडेंस जो एजुकेशन आस्पेक्ट में होगी, वोकेशनल गाइडेंस जो आपकी जॉब वोकेशंस को बताएंगी, जॉब आपके करियर की बात करेंगे, और आपका पर्सनल गाइडेंस जिसमें हम पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपके बिहेवियर उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो दिखेगा आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग से कंसर्न। गाइडेंस क्या है कि कोई भी आप पर्सन आपको गाइडेंस दे सकता है, काउंसलिंग जिसमें आप एक प्रोफेशनल कोर्स करते हैं और एक जो आपका इंडिविजुअल है उसे आप बिल्कुल प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं, वो आपके लिए एक क्लाइंट और कस्टमर रिलेशन बन जाता है कि आप काउंसलर हैं और वो आपका क्लाइंट है और आपने उसको ट्रीट करना है। देखिए, काउंसलिंग और गाइडेंस की इंपॉर्टेंस को क्यों समझा गया, क्योंकि हम आज मेंटल प्रेशर में रहते हैं। आज का जो एनवायरनमेंट है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हों, चाहे हम लोग हों, हम बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है, आपके नियर वन डियर वन जो भी होते हैं, और वो हमारी पूरी नहीं हो पाती, फिर हम अपने आप को परेशान करते हैं और पता भी नहीं लगता कि कब हम उस मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता है। और उस मेंटल हेल्थ को ध्यान रखते हुए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की गई, कि ऐसे काउंसलर प्रोवाइड किए जाएं जो आपकी मेंटल हेल्थ को ट्रीट करेंगे। अब फ्यूचर में आप टीचर बनेंगे, तो आपको टीचर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है। आप काउंसलर का कोर्स कर सकते हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट से जो कंसर्न है वो तो कर ही सकते हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। तो काउंसलिंग, गाइडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जब आप स्टूडेंट लर्निंग, टीचिंग लर्निंग के सेशंस में हैं। तो हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, अप्रोचेस टू काउंसलिंग, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव जिसमें आप डायरेक्शंस देते हैं, काउंसलर डायरेक्शंस देगा, अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं आपसे, जैसे कि डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसमें काउंसलर आपको डायरेक्शंस देगा व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे कीजिए। नॉन डायरेक्टिव जिसमें लर्नर सेंटर होगी, जिसमें लर्नर बताएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी हो रही है, काउंसलर सिर्फ समझते हैं उनको, अभी डायरेक्शंस नहीं देते, बाद में आपके माइंड से समझाएंगे और आपको बताएंगे, काउंसलिंग करेंगे आपकी। इलेक्टिव जिसमें दोनों आ जाएंगे, ये तीन टाइप की थी, टाइप्स और अप्रोचेस में। देन REBT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्बर्ट एल्स ने दिया था इसे, एल्स अल्बर्ट एल्स ने दिया था, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे आपके इन रैशनल बिहेवियर को रैशनल बिहेवियर की तरफ ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि हम एक मेंटल प्रेशर फील करते हैं या जब भी परेशान होते हैं, तो REBT टेक्निक की हेल्प से, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, आपके इरैशनल बिहेवियर को आपके रैशनल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, कि जो भी आपकी परेशानी या दिक्कत है वो कुछ भी नहीं है, आपके माइंड का खेल है सब, आप अपनी थॉट प्रोसेस से, पावर से सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन इनका रीजन बन जाते हैं। जब भी आप एक अच्छे लेवल पे परेशान हैं, काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ें घूमती रहती हैं और इफ़ेक्ट होती हैं आपकी मेंटल हेल्थ उससे। तो REBT की हेल्प से हम स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को या बच्चों को समझ सकते हैं कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम है जो वो ऐसा बिहेवियर दे रहे हैं, और REBT एक काउंसलिंग टाइप है आपके, जिसकी हेल्प से आप उसे ठीक कर सकते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। थ्योरीज और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसकी भी थ्योरीज हैं, थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी, जैसे कि साइको एनालिटिकल थ्योरी, सिस्टमैटिक थ्योरी, होलिस्टिक थ्योरी, देन वी हैव दी कॉग्निटिव थ्योरी, ये सब टाइप की थ्योरी हैं। और अब ये चार पार्ट डिस्कस करने के बाद शॉर्ट में चीज़ों को समझेंगे, ताकि आपके अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। देखो, मैंने बहुत इजी कंसेप्ट में कोशिश की आपको समझ आए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शनिज्म थ्योरिस्ट होते हैं, कुछ फंक्शनल की बात करते हैं। फंक्शन मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी चीज़ को काम में लाना, फंक्शनिंग करना। तो इसके जो डेवलपर थे वो थे विलियम जेम्स मोरे। ये रैशनल अप्रोच पे बेस्ड है,
ना आपको बिहेवियरिज्म दिखेगा, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, जो चेंज इन बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है, थॉर्नडाइक हो गए, पावलोव, स्किनर, ये चेंज इन बिहेवियर की बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर का रैट था, पावलोव डॉग, तो ये सब क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट किया बिहेवियर को चेंज करके, स्टिमुलस रिस्पॉन्स प्रेजेंट करके। देन साइकोएनालिटिकल में आपको दिखेगा सिंगल वर्ड, सिंगल पर्सन, सिगमंड फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड जिन्होंने कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, ईगो, सुपर ईगो, इनकी बात की, कैसे कंफ्लिक्ट रहता है इन तीनों में। तो साइकोएनालिटिकल ये आपके माइंड की जो कॉन्शियसनेस की स्टेज होती है, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, उनकी बात करते हैं। कॉग्निटिव आपका स्टडी ऑफ माइंड में, योर मेंटल एबिलिटीज, उनकी बात करता है। तो इनकी बात करें तो दो लोग थे आपका पियाजी एंड डेविड ऑसिफर, जिन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की थी, है ना, मीनिंगफुल लर्निंग दिया था। और ये मॉडर्न कॉग्निटिव कहा जाता है इन्हें, इन्हें फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, इन्हें मॉडर्न कॉग्निटिव पर्सन कहा जाता है, ठीक है। गेस्टाल्ट जिन्होंने साइन लर्निंग की बात की थी, तो इन्होंने बिलीव इन द होल रेदर देन पार्ट, बहुत शॉर्ट में हो गया तो आपको समझ आ पाएगा, बिलीव इन होल रेदर देन पार्ट, पार्ट की बात ना करते हुए कंप्लीट एस्पेक्ट की बात करते हैं। कुछ गुफा, मैक्स वर्दिमो, ठीक है, साइन गेस्टाल्ट की हो रही है तो गेस्टाल्ट के थ्रू साइन की बात करते हैं। तो फंक्शनलिज्म जिसमें विलियम जेम्स और रैशनल अप्रोच है, बिहेवियरिस्ट कौन थे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, टॉलमैन, आपको अभी मैंने बताया कि कॉग्निटिव और बिहेवियरिस्ट के बीच का पार्ट है, सोशल लर्निंग भी हमने समझ लिया, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये मैं इस पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ लर्निंग की, मैं जस्ट ओवरऑल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फंक्शनलिज्म में क्या क्या आएगा, बिहेवियरिज्म में क्या आएगा, ह्यूमनिस्टिक में क्या आएगा, कॉग्निटिव में क्या आएगा, साइकोएनालिटिकल में क्या आएगा, और गेस्टाल्ट में क्या आएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है साइकोएनालिटिकल आपको नहीं समझ आ रहा कौन है, सिगमंड फ्रॉयड, क्या बात की थी उन्होंने, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, इड, ईगो, सुपर ईगो, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी। कॉग्निटिव के लिए पियाजे, ठीक है, तो पियाजे एंड डेविड ऑसोबर जिन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग दी थी, विद इन वन मिनट मैंने आपकी क्लास दी थी इसकी, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक कार्ल रॉजर्स, मास्लो, नीड हायरार्की की थ्योरी दी थी, कार्ल रॉजर्स की थ्योरी थी। बिहेवियरिस्ट थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, चेंज इन बिहेवियर की बात करते थे। कौन सा बिहेवियरिज्म अप्रोच बताता है, कौन सा क्या बताता है, इसके बाद आपको आई होप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे अभी क्लास को, वन बाय वन टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो कि फर्दर इस यूनिट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट अब सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, सभी की एलिमेंट्स को मेंशन किया है ताकि कोई भी कंसेप्ट छूट ना जाए। तो की एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट हमारा पार्ट था। ग्रोथ मीन्स योर फिजिकल चेंजेस इंक्रीज सम क्वांटिटी, क्वांटिटी एस्पेक्ट की बात करेंगे। हमारी ग्रोथ जो होती है एक लिमिट टाइम तक है, लिमिटेड टाइम पीरियड तक है। हम बचपन से लेकर, बचपन से भी क्या, हम एक जो प्रेगनेंसी का भी टाइम होता है उसमें भी ग्रोथ होती है, और उसके बाद जब बाय आफ्टर बर्थ हमारी ग्रोथ होती है, और एक टाइम के बाद हमारी हाइट, वेट, ये सब चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं। जितनी आपकी हाइट इंक्रीज होनी है वो हो जाती है। दैट मीन्स एक लिमिटेड है ग्रोथ। ग्रोथ की अगर बात करें तो आप फिजिकल चेंजेस या इंक्लूजन ऑफ सेल्स उसका उसकी बात करेंगे तो इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज, इसकी बात करता है आपका ग्रोथ। सिर्फ की एलिमेंट डिस्कस करूंगी मैं, क्योंकि ये डिटेल वेटेड लेक्चर नहीं है, हमें पूरा सेशन लेना है, पूरी यूनिट लेनी है, बहुत ही लेंदी है। सिर्फ की एलिमेंट पर फोकस कीजिए, आपकी और अच्छी रिविजन होगी। रिविजन का मतलब है कि आपने लर्निंग थ्योरी की प्ले लिस्ट यूनिट 3 ऑलरेडी देख लिया है, उसमें जो भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उनसे गो थ्रू हो चुके हैं, देन वी विल टेक अ रिविजन, ठीक है। मैराथन सेशन में आपकी की एलिमेंट्स भी काम होगा, क्योंकि एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक जो है वो बहुत लेंदी है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करते हैं, फिजिकल योर बॉडी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल आपके फिजिकल जो चेंजेस आते हैं उनकी बात करेंगे। तो ये की एलिमेंट है। तो ग्रोथ में आपके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। आपका हाइट, वेट, साइज, शेप ऑफ बॉडी, ऑर्गन्स, ये सब चीज़ें आपकी चेंज होती हैं, एडोलेसेंस तक आते आते चेंज होती हैं, एक मतलब टाइम के बाद रुक जाएगी। दिस इज योर ग्रोथ, ठीक है, ड्यू टू सेल डिवीजन, आपके सेल्स की डिवीजन को हम कहें तो। ओके, नेक्स्ट वी हैव, ये लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, इट कैन बी मेजर्ड, या अपना हाइट आप मेजर कर सकते हैं, अपना वेट मेजर कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड। ओके, नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज योर क्वांटिटेटिव चेंजेस, डेवलपमेंट इज योर क्वालिटेटिव चेंजेस,
क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब कि क्वालिटी में चेंजेस हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आपकी फिजिकल चेंजेस के साथ साथ आप में कितनी डेवलपमेंट हुई। कभी आप कोई सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड करेंगे और आप एक्चुअली सीखना चाह रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर के बाद आप में डेवलपमेंट होगी, आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन हो जाएगी या कुछ भी आप देखते हैं सीखते हैं। तो हमारे डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो हमारी डेथ तक, जब तक हमारे पास लाइफ है तब तक हमारी डेवलपमेंट चलेगी, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, वाइडर एस्पेक्ट है। ठीक है, ऑब्जर्व मेजर बाय द मैच्योर पीपल। इट इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर बाय द मैच्योर पीपल की मतलब मेजोरिटी, जिनमें एक मेजोरिटी होती है वो बहुत इजीली जज कर पाएंगे, हमारे टीचर हमें बता सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए ग्रोथ थी जो फिजिकल चेंजेस की बात करता है, डेवलपमेंट आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों की बात करेगा, ये सिर्फ क्वांटिटी की बात करेगा। इट कैन बी मेजर, ये आपकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट डालेंगे डेवलपमेंट पे। डन, एक चीज हो गई। नेक्स्ट पार्ट में था कॉग्निटिव। कॉग्निटिव वर्ड आपका जब भी आपको दिखेगा दैट मीन्स योर मेंटल एबिलिटीज, मेंटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। टू रिकॉग्नाइज, इसका जो प्रॉपर मीनिंग है टू रिकॉग्नाइज। अब बेसिक पार्ट करेंगे कि बेसिक्स जो बोलेंगे कॉग्निशन में क्या क्या आता है, आपके सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन एंड मेमोरी। आपने सेंसेस से कुछ सीखा, परसीव किया, परसेप्शन, आपने अटेंशन दी, आपने तब सीखा एंड आपकी मेमोरी का पार्ट बन गया। हाई कॉम्प्लेक्स में बात करें तो आप इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस एंड योर थॉट, आपके थॉट में वो चीज़ आई। ठीक है, तो बेसिक है आपका सेंसेस, देन परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, हाई में इंटेलिजेंस एंड थॉट, कॉग्निशन हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दो थ्योरी थी लास्ट, अभी मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया जब सिलेबस डिस्कस किया था। तो कॉग्निटिव अगर हम एस्पेक्ट की बात करेंगे तो मेंटल एबिलिटी, ये स्टडी ऑफ माइंड, उसको दो हमारे जो मेन पर्सन है, मेन की बात कर रहे हैं, पियाजे एंड डेविड ऑसुबेल। डेविड ऑसुबेल ने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की है, और दूसरी तरफ पियाजे जो हैं उन्होंने हमारी चार स्टेजेस दी, उन्होंने स्कीमा वर्ड दिया, मेंटल स्ट्रक्चर को बताया, आपकी चार स्टेजेस दी, सेंसरी स्टेज, देन आपकी प्री ऑपरेशनल और फॉर्म, आपकी कॉन्क्रीट, देन फॉर्मल ऑपरेशनल, ये चार स्टेजेस दी, चार कैटेगरी बताई, न्यू नॉलेज को गेन करना, न्यू नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप कंबाइन करना, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपकी वो दो थ्योरीज आती हैं। ठीक है, अब पर्सनैलिटी की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में था आपका पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, जो वर्ड है पर्सनैलिटी, ये आया है पर्सोना से, कि पहले था कि जो आपके फेस पे एक मास्क है वो आपकी पर्सनैलिटी है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, इंप्रूवमेंट होती गई, पर्सनैलिटी कंप्लीट डायनेमिक प्रोसेस है, सिचुएशन पे बेस्ड करती है। आज किसी की पर्सनैलिटी कुछ और है, किसी और के साथ कैसी और, पर्सन के साथ कुछ और तरीके से है। तो पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंट थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी सिगमंड फ्रॉयड की। सिगमंड फ्रॉयड साइको एनालिटिकल पर्सन, साइको एनालिटिकल, एनालिटिकल साइको एस्पेक्ट में बात करेंगे तो सिगमंड फ्रॉयड को कहा जाता है। और इसने, इन्होंने तीन एस्पेक्ट दिए, स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ डायनेमिक्स एंड साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, उन्होंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी को इड, ईगो एंड सुपर ईगो। कैसे याद करेंगे, ईगो बीच में है, मिड में काम करेगा, इड और सुपर ईगो, सुपर अच्छा है ना, सुपर है कुछ, तो मोरालिटी की बात करता है, इड आपकी इंस्ट्रिक्ट, आपकी चाहत, आपकी क्या विशेष है उनकी बात करेगा, ईगो रियलिटी की बात करेगा। और एक क्वेश्चन भी आया था 2020 में कि किसमें कन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा, चार ऑप्शन थे पर्सनैलिटी के पार्ट में, किसमें कन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा, इड और सुपर ईगो, ईगो इनमें ही कन्फ्लिक्ट रहता है कि हमारा मन कर रहा है कुछ करने का और हमारा ईगो में कहता है कि रियलिटी में पॉसिबल है कि नहीं, और सुपर ईगो बताता है कि मॉरल वैल्यूज को ध्यान रखिए, सब कुछ जो मन करेगा वो हम थोड़ा कर लेंगे। तो इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इड आपकी इंस्टिंक्ट की बात करेगा, ईगो इन दोनों का मिड में काम करता है, रियलिटी की बात करता है, सुपर ईगो मॉरलिटी की बात करता है। देन थ्योरी ऑफ डायनेमिक्स, इसमें आपकी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड की बात होती है कि कैसे हमारा कॉन्शियस माइंड डील करता है, अनकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या थॉट्स और प्रोसेस रहती है। देन साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट, साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट में आते हैं आपकी, इन्होंने फाइव स्टेजेस दी, जैसे बच्चे की फर्स्ट ओरल स्टेज दी, देन एनल, देन फैलिक लेटेंसी एंड जेनिटल स्टेज,
ये पांच स्टेजेस थी, ये आपकी मैं क्लास दे चुकी हूँ, फिर भी आपको एक रिवीजन सेशन से हम करेंगे, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉयड उनको पर्सनैलिटी में डिस्कस करेंगे, कर लिया है हमने। फिर आते हैं कार्ल रोजर्स, ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन वैल्यूज, गुड लिविंग, गुड पर्सन, इनकी बात करते हैं। मास्लो, ये भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड थे, ठीक है। इन्होंने दो एस्पेक्ट पे बात की, हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, तो आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ। पहले तो उन्होंने बताया कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसमें ह्यूमनिस्टिक जब भी वर्ड आएगा तो पर्सन सेंटर हो जाएगी वो अप्रोच। इन्होंने बताया आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ, नहीं समझ आ रहा क्या है, चलो ईगो सुपर ईगो में फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसमें नहीं समझ आ रहा क्या है, वर्ड के नाम पे जाइए। आइडियल सेल्फ, किसी को आइडियल मानते हैं ना हम कि ये हमारे लिए आइडियल है, एंड रियल सेल्फ, आप चाह रहे हैं कि आप इनकी तरह बन जाएं, लेकिन आप रियलिटी में क्या है, ये रियल सेल्फ है। आइडियल सेल्फ की आप आइडियली चाह रहे हैं, तो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, इनको इसमें आपको बच्चे वर्ड क्या मिलेंगे, इनकोहेरेंट एंड कॉन्ग्रुएंट। इनकोहेरेंट मतलब होता है कि जब आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस है, डिफरेंस होता है कि इन दोनों में एक डिफरेंस है आइडियल और रियलिटी में, तो इनकोहेरेंट। और इसमें है कि आपका कम डिफरेंस है या नो डिफरेंस है, ठीक है। आपका आइडियल और रियल, आप नेट जेएफ चाह रहे हैं और आप नेट जेएफ के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम टेबल से स्टडी कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो आइडियली आप जो चाह रहे हैं वो रियलिटी में आप हैं, तो हो गया कॉन्करेंट। और आपका आइडियल आप चाह तो रहे हैं लेकिन चाहत के साथ साथ काम कुछ नहीं कर रहे हैं या कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं, तो इनकॉन्करेंट, ठीक है। डिफरेंस होगा तो इनकॉन्करेंट, नहीं होगा तो कॉन्करेंट, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ का कंसेप्ट किसने दिया था, कार्ल रोजर्स ने। अब आते हैं पर्सनैलिटी में गोल्डन ऑल्पर्ट ट्रेट थ्योरी। पर्सनैलिटी को भी ना ट्रेट और टाइप दो डिवीजन मेन थे, मेन दो डिवीजन थे, ट्रेट एंड टाइप। ट्रेट मतलब हमेशा ट्रेट का मीनिंग होता है योर करेक्टरिस्टिक्स, किस टाइप की बात कर रहे हैं, हम किसी को करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं कि दिस पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्टी उसका करेक्टरिस्टिक है, मतलब उसका फीचर है एक तरीके का। तो ट्रेट के हिसाब से हमने अगर हम बात करें तो गॉर्डन ऑल्पर्ट की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तीन ट्रेट्स बताए, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। ये मैंने आपको क्लास दी थी तो CCS करके याद भी करवाया था। कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। कार्डिनल योर मेन पर्सनैलिटी, जो आपको पूरा डिफाइन करती है आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, कोई कंजूस है और आपको पता है इस टाइप का पर्सन है, तो उनकी पूरा मेन ट्रेट है कार्डिनल, ठीक है। तो सेंट्रल की जब आप कुछ आपकी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेंट्रल कंडीशन भी होती हैं, कॉमन ट्रेट कहेंगे इसे। सेकेंडरी होती है कंडीशन बेस्ड, कि किसी कंडीशन में आपका कैसा रिस्पांस आ रहा है, कैसी टाइप की पर्सनैलिटी है। तो कार्डिनल योर फर्स्ट वन जो आपकी पर्सनैलिटी को टोटल डिफाइन करेगा। देन सेंट्रल, सेंट्रल योर कॉमन ट्रेट्स, उसमें ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये आपके कॉमन ट्रेट्स रहते हैं। सेकेंडरी जो आपकी सिचुएशन बेस्ड होगी, वर्क ऑन योर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स पे काम कीजिए, 10 पेजेस 12 पेजेस 100 पेजेस लिख लो, बुक देख लो, नई चीज़ें याद रहेंगी, कंसेप्ट पे काम कीजिए, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका काम आसान मैं कर रही हूँ कि आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ कि इससे ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मतलब ये है। तो वीडियो लेक्चर से आपको अगर हेल्प मिलती है तो लाइक और शेयर भी कीजिए वीडियोस को, ठीक है। तो अब ये हो गई पर्सनैलिटी। अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ आपके फिजिकल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करेगा, आपकी लिमिटेड एक ग्रोथ रहती है, इट कैन बी मेजर, मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को भी मेजर कर सकते हैं बाय द मैच्योर पीपल। डेवलपमेंट दूसरी तरफ क्वालिटेटिव चेंजेस को बताता है, आप में डेवलपमेंट किस टाइप की है, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। कॉग्निशन मतलब होता है कि टू रिकॉग्नाइज योर मेंटल एबिलिटी। देन आपकी बेसिक कॉग्निशन है सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, और आप थोड़ा सा ज्यादा आगे जाएंगे तो इंटेलिजेंस एंड थॉट, आपकी थॉट में आ गई आपकी कॉग्निशन। देन आपकी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट था थर्ड एस्पेक्ट। पर्सनैलिटी एक अपने आप में कीवर्ड याद रखें तो डायनेमिक है, उससे बहुत सारे मिलते जुलते आपको कंसेप्ट समझ आएंगे। तो सिगमंड फ्रॉयड की अगर हम बात करें तो उन्होंने तीन एस्पेक्ट दिए थे, स्ट्रक्चर, डायनेमिक एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। तो स्ट्रक्चर में इन्होंने ईगो सुपर ईगो बताया, और आपके डायनेमिक्स में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड बताया। देन साइकोसेक्सुअल में 5 स्टेजेस बताई, ऑरल, एनल, फेलिक, फैलिक एंड जेटेंसी एंड जेंटल, ठीक है। अच्छा, फिर कार्ल रोजर्स की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की, जिन्होंने आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ की बात की, सारी थ्योरी एक तरफ, क्वेश्चन जहाँ से आता है वही मेंशन किया आपको, ठीक है। इन्होंने बताया कि कैसे आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में बात करते हैं। देन गॉर्डन ऑल्पर्ट, जिन्होंने ट्रेट आ गया करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट की बात की, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेट। फिर इनमें दो एस्पेक्ट दे रखे हैं, मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन।
मेंटल हेल्थ है आपकी डेवलपमेंट, योर टोटल पोटेंशियल, जैसे आप बोले आपकी फिजिकल हेल्थ या यू फिजिकली फिट, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, हमारी बुक्स भी बता रही हैं ताकि हम बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट कर पाएँ कि कॉन्टिन्यूसली किसी के बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं या मेंटली परेशान हो रहे हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ वीक हो रही है, तो फ्यूचर में जाकर उनकी डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स और ऐसे कुछ चीज़ें होंगी। इसलिए मेंटल हेल्थ को हमेशा ध्यान रखिए, मेंटल हेल्थ पर कैसा इफेक्ट आ रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है नेगेटिव फील करने की या खुद को कम समझने की या आपको कोई अटेंशन नहीं मिल रही, आपके साथ कुछ गलत हो गया है, तो ट्राई टू ओवरकम, ठीक है, ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक ही लाइफ है, निकलना होता है उस लाइफ में, तो बहुत चीज़ें होती हैं और जिसमें एक एबिलिटी होती है कि वो ये चीज़ें फेस कर सकें या बियर कर पाएँ, उन्हीं को मिलते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स। तो किसी ना किसी आस्पेक्ट में आपको पॉजिटिव रख के उस लाइफ का थैंक यू करके अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मेंटल हेल्थ कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका पार्ट है। मेंटल हाइजीन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ठीक है, अगर हम बोले ना कि हाइजीन मेंटेन कीजिए, हाइजीन आप बोले तो कि क्लीन होनी चाहिए हर चीज़, तो ऐसी मेंटल हाइजीन जब अपने मेंटल हेल्थ पे आप एक प्रोसेस है जिसमें आप टेकिंग केयर कर रहे हैं, आप ध्यान रखते हैं अपनी मेंटल हेल्थ की, दैट इज मेंटल हाइजीन। जो नाम है वहाँ से समझना है, हम लोग रूट लर्निंग की तरफ कभी नहीं जाते, हम हमेशा नाम से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज फिनिश्ड, फिनिश हो गया। सेकेंड पार्ट इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट विद द पीपल इज इंटेलिजेंस। बहुत सारी और थ्योरीज हैं और इसके कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, मेन आस्पेक्ट कीवर्ड पे काम किया हमने। फर्स्ट अब यूनिफैक्टर थ्योरी आई, यूनिफैक्टर सिंगल बायबिली ने दिया था, जनरल इंटेलिजेंस की बात की इन्होंने कि जनरल इंटेलिजेंस जो सब में होती है, आप में मुझ में सब में, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, मैंने आपको हमेशा बताया है थ्योरीज की डेवलपमेंट होती है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। देन टू फैक्टर्स स्पीयरमैन ने दिया था 1904 में, ईयर डजंट मैटर, इसे मैंने कहीं मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत सारे ईयर है, याद भी नहीं रहते, और लेकिन आप एक से दो बार डिटेल में जो लेक्चर देखेंगे तो याद भी हो जाएंगे। टू फैक्टर्स स्पीयरमैन ने दिया था, याद रखना है, इन्होंने जनरल के साथ साथ स्पेसिफिक एबिलिटी बताई, कोई मैथ्स में अच्छा है, किसी में क्रिकेट में अच्छा है, किसी हर बच्चे में, हर किसी में कोई स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, कोई कुकिंग में अच्छा है, मैं कुकिंग में अच्छी हूँ, तो दैट मीन्स हम में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक है, हर किसी में कुछ स्पेसिफिक होती है। जब भी कभी आप डाउन फील करें तो अपनी स्पेसिफिक एबिलिटी को सोच लीजिए कि आप में वो कुछ अच्छी चीज़ है, स्पेसिफिक है, ठीक है, और ट्राई टू थिंक अबाउट इट, हमेशा डाउन नहीं रहना, फील नहीं करना, आपको ओवरकम भी करना है सिचुएशन से। तो इन्होंने जर्नल एंड स्पेसिफिक, GNS, टू फैक्टर्स आर जर्नल एंड स्पेसिफिक। देन वी हैव मल्टी फैक्टर, सोशल इंटेलिजेंस की भी बात की, थॉर्नडाइक ने दी थी, स्पेसिफिक स्टिमुली एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, SNR आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक को देखते ही, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस कुछ दिया और रिस्पॉन्स बदले में आया, हमेशा डिजायर्ड बिहेवियर के लिए होगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। तो मल्टी फैक्टर गिवन बाय ईयर थॉर्नडाइक, इन्होंने तीन आस्पेक्ट दिए, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड सोशल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आपका कॉन्क्रीट एंड सोशल इंटेलिजेंस, जिसमें आप टेक्निकल, मैकेनिकल और सोशल इन्वायरमेंट की बात की। फिर आया ग्रुप फैक्टर, ग्रुप फैक्टर थर्स्टन ने दिया था, ग्रुप फैक्टर मैंने ग्रुप की बात कर दी, तो स्पेशियल, परसेप्चुअल, न्यूमेरिकल, वर्बल, मेमरी, वर्ड फ्लुएंसी एंड रीजनिंग, 7 टाइप के ग्रुप फैक्टर, ठीक है। फिर आता है मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर गार्डनर की थ्योरी थी, मल्टीपल फैक्टर इन्होंने दिया था लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल, देन स्पेशियल, योर पिक्चर, बॉडी, योर बॉडी लैंग्वेज, म्यूजिकल, इंटर पर्सन, टू पर्सन, इंट्रा विद योर सेल्फ, देन नेचुरलिस्टिंग एंड एक्सटेंशनिज्म। देखो अब हो गए हैं 9, पहले थे 7, देन हुए 8, अब हो चुके हैं 9, तो 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है गार्डनर के थ्रू, ठीक है। तो पहले आपके 7 थे, फिर आपके 8 हुए, नेचुरलिस्टिक ऐड हुआ, देन एक्सटेंशनिज्म ऐड हो गया। अब आता है मेटा कॉग्निशन, मेटा वर्ड मीन्स बियॉन्ड एंड कॉग्निशन अगेन, कॉग्निशन टू रिकॉग्नाइज, टू थिंकिंग, मेंटल एबिलिटी, तो मेटा कॉग्निशन ये है आपका। फिर आता है आपका क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इज ऑलवेज डील विद न्यू आइडियाज, कन्वर्जन थिंकिंग, डायवर्जन थिंकिंग, आपकी दायरों को समा दिया कि आपने आंसर करना है, कन्वर्जन थिंकिंग, कुछ में ही बताना है, येस नो में बताना है, ट्रू फॉल्स में बताना है, कन्वर्जन थिंकिंग, आपकी डायवर्जन थिंकिंग, क्रिएटिविटी कीजिए। तारे ज़मीन पर मूवी का लास्ट जो लास्ट बिल्कुल सीन था उसमें था कि जिसको जो आता है वो बनाइए, पेंट कीजिए, जो भी आता है जिसको, तो एक क्रिएटिविटी निकल के आई,
अब आपके पास बाउंडेशन नहीं थी कि आपने यही बनाना है, ऐसे ही करना है, तो क्रिएटिविटी ऑलवेज डील विद योर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑलवेज डील विद योर न्यू आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी निकल कर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका सेकंड पार्ट। रिवीजन क्लास है, इसी स्पीड से चलूंगी मैं, टाइम की बहुत वैल्यू है मेरे लिए, तो आपके लिए भी, क्योंकि आप वैल्यूबल टाइम देते हैं वीडियोज को, चैनल को, तो सबके पास लिमिटेड टाइम है, लेकिन आपकी जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पे बात करें, सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग की। लर्निंग मीन्स योर मॉडिफिकेशन ऑफ योर बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज योर लर्निंग। ठीक है, आप मॉडिफाई कर दिए किसी के बिहेवियर को, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, दैट इज योर लर्निंग। सबसे पहले बात करेंगे थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग। टी से थॉर्नडाइक, ट्री से ट्रायल एंड एरर, नहीं याद आ रहा भाई, बहुत मुश्किल है। टी से थॉर्नडाइक, ट्री से ट्रायल एरर, इन्होंने दो टाइप के लॉज दिए थे, प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। ये सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पर कि मैं कोई कंसेप्ट मिस ना हो जाए, सिर्फ इसलिए, ठीक है, ताकि आपको मैं हर पार्ट को एक्सप्लेन कर दूं। तो इसमें सिर्फ की एलिमेंट्स इमेजिन किए, आपको हो सकता नहीं समझ आए कि मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, ताकि मुझसे कुछ रह ना जाए आपको बताना। थॉर्नडाइक जो थे, इन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने दो टाइप के लॉज दिए। अगर हम बोले प्राइमरी लॉ एक निचोड़ में, कंक्लूजन में, तो लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर आपसे पूछें कि कितने लॉ थे, तो प्राइमरी लॉ में अगर मेन आएंगे लॉ ऑफ रेडीनेस, कि आप में सीखने की इच्छा होनी चाहिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, देन लॉ ऑफ इफेक्ट, आपके इफेक्ट में आता है, प्राइमरी एंड सेकेंड लॉ थे। कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रायल एंड एरर, कैट के सामने एक फूड रख दिया और कैट को बंद कर दिया एक केज में, और कैट ने ट्राई किया बार बार कि केज ओपन हो जाए, और ट्रायल और एरर से सीख लिया कि केज कैसे ओपन होगा, एक लीवर प्रेस किया और केज ओपन हो गया। तो ट्रायल एंड एरर, आप ट्राई करते हैं, एरर करते हैं, सीख जाते हैं, फिर उसने फूड ले लिया। तो ये थी आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी। इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की गई कि आपने फूड प्रेजेंट किया, दैट जो स्टिमुलस, बदले में रिस्पॉन्स आया, और रिस्पॉन्स हमेशा डिजायर बिहेवियर होगा, आप जो करवाना चाहते हैं वही करेंगे। और ये चीज़ें होती हैं जब हम बच्चों में एक्टिविटी इम्पार्ट करना चाहते हैं, उन्हें लर्निंग करवाना चाहते हैं, तो इनडायरेक्टली हम उन्हें डिजायर बिहेवियर की तरफ लेके जाते हैं, उन्हें एक स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी के नाम पर, ताकि वो डिजायर जो बिहेवियर है हम उनको सिखा पाए। लर्निंग एक्टिविटीज़ हो गई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई। तो ये थी थॉर्नडाइक की, एसआर बॉन्ड भी कहा जाता है। फिर आए आई वर्क पावलोव और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। बहुत सिंपल करेंगे, इसमें आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था, देखो कहानी क्या थी। डॉग है, एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया आइवन पावलोव ने, उन्होंने देखा कि सबसे पहले डॉग को बेल प्रेस की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि डॉग है, बेल से कोई मतलब नहीं है उसे। तो बेल क्या है, आपका कंडीशन, एक स्टिमुलस है, कंडीशन रिस्पॉन्स की बात की, कंडीशनिंग करते हैं बच्चों से, या हम हमारे एडवर्टीजमेंट हमारी कंडीशनिंग करते हैं, वो जानते हैं उनके टारगेट ऑडियंस क्या है, उन्हें कैसे डील करना है, फेयर एंड लवली है, या पता है उनको सब भाई, इनको गोरा होना है, इनको रिक्वायरमेंट है, तो आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपके इमोशंस के साथ कंडीशनिंग करते हैं। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती हैं जो आपके सिर्फ माइंड से खेलती हैं, तो उस आस्पेक्ट में आप समझेंगे। तो सबसे पहले डॉग का एक्सपेरिमेंट हुआ, उसे बेल प्रेस की और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि डॉग को बेल से कोई मतलब नहीं है। फिर फूड प्रेजेंट किया, सलाइवा निकला, डॉग को भूख लगी है, सलाइवा आया, फिर फूड के साथ बेल को ऐड कर दिया, तो आपका बेल प्रेस होते ही सलाइवा निकला। दैट मीन्स बिफोर कंडीशनिंग दोनों इक्वल है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स इक्वल टू अनकंडीशनल स्टिमुलस। देन आपका आता है अनकंडीशनल के साथ आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस जिसमें आपने बेल प्रेजेंट किया और डॉग के साथ सलाइवा निकला। ठीक है, तो पावलोव की कंडीशनिंग थी जो कंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनिंग पे बेस्ड थी। देन स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनल, बी एफ स्किनर, ये सब बिहेवियरिस्ट हैं। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है, रैट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, आर एस थ्योरी। बस इसमें फर्क क्या है कि पहले रिस्पॉन्स आया, देन स्टिमुलस प्रेजेंट किया। बच्चे ने कोई अच्छा बिहेवियर दिया तो पहले रिस्पॉन्स दे चुका है, फिर स्टिमुलस प्रेजेंट किया। और कंडीशनिंग थ्योरी रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट, इसकी बात करता है। तो थॉर्नडाइक की हम सबसे पहले बात की, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखिए, थ्योरी ऑफ लर्निंग में हमने सबसे पहले डिस्कस किया थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर, ट्रायल किया था, ट्रायल और एरर कैट पे हुआ था। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात की, पावलोव कंडीशनिंग में आपकी तीन स्टेजेस आई, पहले आपका बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग नहीं है तो अनकंडीशनल स्टिमुलस इक्वल टू अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यू सी आर इक्वल टू यू सी आर, यू सी एस इक्वल टू यू सी आर। फिर आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में हमने बेल ऐड कर दी, ठीक है, कंडीशन आपका ऐड कर दिया, तब भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया, फिर बेल ऐड करने से ही, सिर्फ बेल प्रेस होने से ही आपका रिस्पॉन्स आ गया।
ठीक है। फिर आपके हम डिस्कस की स्किन एंड ऑर्गन कंडीशनिंग थ्योरी। स्किन एंड बॉक्स कहा जाता है, रैट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था। री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करते हैं। री इन्फोर्स करने से कि बच्चे के डिजायरेबल बिहेवियर में आप चेंज ला सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स पहले आएगा और आपकी स्टिमुलस बाद में आएगी, तो आर एस मॉडल भी कहा जाता है इसे। फिर आपका टॉलमैन की थ्योरी ऑफ लर्निंग, टॉलमैन की, एडवर्ड टॉलमैन, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन आता भी है। मॉलर अप्रोच पे बेस्ड है, मॉलर अप्रोच होती है गोल ओरिएंटेड अप्रोच, पर्पसिव बिहेवियर पे बेस्ड है कि आप पर्पस के हिसाब से काम करते हैं। अभी जो भी स्टूडेंट वीडियो लेक्चर देखेंगे या कनेक्ट है चैनल के साथ, या वो चाह रहे हैं कि उनको सीखें, नॉलेज सीकर हैं, तो वो सर्च कर रहे हैं चीज़ें, उनके माइंड में एक पर्पस फिक्स है और उस पर काम कर रहे हैं। तो पर्पसिव बिहेवियर है, इनमें आपके तीन टाइप की लर्निंग बताएं, लेटेंट लर्निंग, प्लेस लर्निंग एंड रिवॉर्ड लर्निंग। प्लेस, रिवॉर्ड एंड लेटेंट। प्लेस की, किस प्लेस पे, रैट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मान लीजिए रैट को खाना चाहिए और चारों उसके एग्जिट डोर पे खाना रख दिया, तो किसी भी प्लेस को इंपॉर्टेंस दे सकता है, चारों पे खाना है। रिवॉर्ड, आपने रिवॉर्ड दिया फूड। लेटेंट होती है हिडन, आपकी लेटेंट मींस हिडन। जैसे आपको मैंने कोविड का एग्जांपल दिया था कि ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन पीरियड हम लोगों ने सारे काम किए, क्योंकि विदाउट हेल्प हमें काम करने थे, पर इससे पहले नहीं करते थे वो चीज़ें क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो लेटेंट होता है कि सिचुएशन पे बेस्ड है, आप तब करते हैं जब आपको एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसको सिक्स और फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया। पर्पसिव बिहेवियर है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, MOLAR मोलर अप्रोच पे बेस्ड है, ठीक है। कॉग्निटिव मैप की बात करते हैं कि हम मैपिंग करते हैं, कॉग्निटिव मैप यूज करते हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, क्लियर, ठीक है। रिवॉर्ड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी इसका पार्ट है। देन आपकी आती है अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग। सोशल, ये बिहेवियरिस्ट थी, टोलमैन दोनों के बीच में आ जाएगी, और ये आपकी आती है सोशल लर्निंग। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया बोबो डॉल पे, एक एक्सपेरिमेंट किया डॉल पे और देखा टीवी में जो बच्चा है देख रहा होता है टीवी को और उस डॉल को वो थ्रो कर देते हैं, तो बच्चे ने भी वैसा ही किया। तो मतलब कि जैसा हम देखते हैं, और जब बच्चों की स्टेज होती है जब वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी कहा गया, इमिटेशन, नकल उतारना, वो भी कहा गया इसे। और तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जैसा सीख रहे होते हैं तो हम अपने अंदर वैसी चीज़ें लेते हैं, ठीक उस बात करता है। सेल्फ रेगुलेशन की बात करेगा, अकेली थ्योरी है जो सेल्फ रेगुलेशन की बात करेगी। टोलमैन के लिए आपको मैं एक और अच्छा कीवर्ड बताऊं, विदाउट रिइंफोर्समेंट किसी थ्योरी ने काम किया, विदाउट रिइंफोर्समेंट तो वो थी आपकी टोलमैन की थ्योरी। इन्होंने रिइंफोर्समेंट की बात नहीं की, उन्होंने कहा रिइंफोर्समेंट से आप परफॉर्मेंस अच्छी कर लोगे पर लर्निंग नहीं आती, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग की बात करता है, इमिटेशन की बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है। फिर हम डिस्कस करते हैं गैने थ्योरी ऑफ लर्निंग। गैने थ्योरी ऑफ लर्निंग गैने ने दिया था। इन्होंने रिमेम्बरिंग की बात की, स्किल डेवलपमेंट की बात की, परफॉर्मेंस की बात की। अब इन्होंने क्या किया, आपके आउटकम ऑफ लर्निंग पूछे, आउटकम चार हैं और आपके जो टाइप्स हैं वो आपकी किस टाइप की लर्निंग है, 8 है और 9 स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये आपने ध्यान रखना है। वर्बल इन्फॉर्मेशन आउटकम आ जाएगी, मतलब आप गैने की थ्योरी जब डिस्कस करते हैं तो वर्बल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इंटेलिजेंस स्किल्स पता लग जाएंगी, कॉग्निटिव पता लग जाएगी, मोटर स्किल्स। बच्चे हैं, छोटे बच्चों को याद रखना है, वहीं से मैंने आपको समझाया था कि छोटे बच्चे रो रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं हमें, तो सिग्नल लर्निंग से काम चलता है उनका। हमें पता लग जाता है कि बच्चे ने कब उसे उसका नैपी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, कब वो रो रहा है, कब उसे मिल्क चाहिए, कब उसे क्या चाहिए, तो सिग्नल बेस पे काम करते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, हम उन्हें स्टिमुलस देते हैं ताकि वो कुछ चीज़ सीख जाए, बदले में रिस्पॉन्स मिलता है, उन्हें समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, छोटी स्टेज की बात हो रही है वो। फिर एक वो चेन बनाने लग जाते हैं, कनेक्ट करने लग जाते हैं चीज़ों को। देन वर्बल बोलना सीखते हैं, देन मल्टीपल कंसेप्ट सीखते हैं, एक साथ बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं उनके माइंड में। देन रूल बन जाते हैं उनके कि क्या करना है कैसे करना है, एक बिहेवियर डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं उसके बाद। तो ये थे आपके सिग्नल लर्निंग, एहसास, चेनिंग, वर्बल, एसोसिएशन, मल्टीपल कंसेप्ट, रूल एंड लास्ट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। 9 स्टेप ऑफ सीक्वेंस भी बताए थे इन्होंने, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थर्ड पार्ट इज फिनिश, फोर्थ पार्ट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग, टाइप्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, थ्योरीज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस, गाइडेंस अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, काउंसलिंग उसका पार्ट है। गाइडेंस कोई भी दे सकता है आपको, मैं दे सकती हूँ, आपके टीचर दे सकते हैं, आपके फ्रेंड दे सकते हैं, योर पेरेंट्स कैन गिव यू गाइडेंस, एनीबॉडी कैन गिव यू गाइडेंस। उसके लिए किसी भी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी तरफ काउंसलिंग इसका पार्ट है गाइडेंस का, आप किसी के साथ काउंसलिंग करेंगे, एज अ काउंसलर काम करेंगे, तो काउंसलिंग एंड काउंसलर दो पर्सन होंगे, इंडिविजुअल आस्पेक्ट पर डील होगी, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए होगी, आपको लाइसेंस चाहिए होगा, तो काउंसलिंग आपका इंटीग्रल पार्ट है गाइडेंस का और ये कॉम्प्रिहेंसिव है, एनीबॉडी कैन गिव यू गाइडेंस।
अगर मैं गाइडेंस के टाइप की बात करूँ तो एजुकेशन गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस। एजुकेशन, एजुकेशन के एस्पेक्ट में आपको गाइडेंस दे रहे हैं, 11th 12th में आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से कंसर्न, कोई आपके कोई भी सब्जेक्ट है आपको उस पर दिक्कत आ रही है, आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, क्या करना है। वोकेशनल, आपकी जॉब, आपकी डिग्री की तरफ जा रही है चीज़ें, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे टेस्ट भी करते हैं बच्चों की, देखते हैं कि उन्हें क्या आफ्टर 10th यूजुअली होता है कि किस वोकेशन की तरफ बच्चे को भेजा जाए। एजुकेशन से हटकर वोकेशन की जब बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट भी किए जाते हैं आपके, ताकि जिसमें वो अच्छे हैं उनको उस तरफ हम भेजें। फिर आपका आता है पर्सनल, आपके पर्सनल बिहेवियर में, आपके पर्सनल प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ आपको गाइडेंस मिलेगी। तीन आस्पेक्ट हो गए, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इलेक्टिव। डायरेक्टिव आपकी काउंसलिंग थी, दी थी ई जी विलियमसन ने, नॉन डायरेक्टिव कार्ल रोजर्स ने, इलेक्टिव। कार्ल रोजर्स हैं तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी। सबसे पहले डायरेक्टिव डिस्कस करते हैं। डायरेक्टिव गिविंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस कौन देगा जिसको पता होगा, काउंसलर। काउंसलर आपको डायरेक्शंस दे रहा है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वो बताएगा कि कैसे वो सिचुएशन में जो फंसे हुए हैं उनको निकलने की जरूरत है। क्यों काउंसलिंग की जाती है, मैरिज काउंसलिंग की जाती है कि कोई पर्सन, दो आपके कोई कपल है और वो चाह रहे हैं कि दे वांट टू गेट डिवोर्स, तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी बाय द मैरिज काउंसलर कि उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, कि सॉर्ट आउट करने की रिक्वायरमेंट अगर है, कोई होप है तो ठीक किया जाए। आपके एजुकेशन काउंसलर होते हैं जो बच्चे को गाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काउंसलर होते हैं। तो डायरेक्टिव में गिविंग डायरेक्शंस बाय द काउंसलर। देन नॉन डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव चाइल्ड सेंटर्ड कार्ल रोजर्स ने दिया था। इनका कहना है कि भाई बच्चे को सुन रहे हैं, अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो वो चाइल्ड सेंटर्ड है, लर्नर को सुनते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं कि उसे क्या दिक्कत है, उस टाइप की काउंसलिंग होगी। इलेक्टिव में आ जाएंगे दोनों, दोनों को मिलाकर डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगी आपकी इलेक्टिव। देन आपकी आती है थ्योरीज। थ्योरीज की अगर हम बात करें तो थ्योरी में सबसे पहले आती है बिहेवियर। बिहेवियर थ्योरी वही चेंज इन बिहेवियर की बात करता है। बिहेवियर कौन है, बी एफ स्किनर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, प्रॉब्लम हो गए, तो इनकी बात हो रही है, ठीक है। कॉग्निटिव, आपकी कॉग्निटिव में आती है पियाजे, ठीक है। इनकी बात करें तो पियाजे की थ्योरी पर डिस्कस कर लेते हैं। चार स्टेजेस थी, सेंसी मोटर स्टेज 0 to 2 years तक थी। देन आपकी थी आपकी इसमें इन्होंने रिफ्लेक्स एक्शन एंडेड की बात की थी कि बच्चा जब छोटी एज में होता है तो रिफ्लेक्शन होता है कि उसका थंब उसके मुंह में जा रहा है, उसके पापल को गजब अपना, तो धीरे धीरे हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो खत्म होने लगते हैं। देन प्री ऑपरेशन स्टेज 2 to 7 years, देन उसमें कॉन्क्रीट स्टेज 7 to 11 years, देन आपका फॉर्मल ऑपरेशन जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे, कुछ वर्ड्स आपको दिखेंगे, स्कीमा योर मेंटल स्ट्रक्चर, देन योर एसोसिएशन एंड अकोमोडेशन। पियाजे का क्या कहना था, जो पियाजे थे ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते थे, इन्होंने स्कीमा की बात की, मेंटल स्ट्रक्चर की बात की, चार स्टेजेस बताई। सेंसरी मोटर स्टेज, नाम क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, आपके सेंसेस को बताएगा। जब आप छोटे होते हैं 0 to 2 years की एज में, तो आपके सेंसेस को बताता है कि क्या आपके सेंसेस, बच्चे के सेंसेस कैसे होते हैं, उससे उस पर डील करेगा, उस पर क्या डेवलपमेंट होती है बच्चे की, रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ काम होता है। देन आप प्री ऑपरेशन की तरफ आती हैं, आपकी 2 to 7 years की एज होती है प्री ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स योर लॉजिकल रीजनिंग, इरिवर्सिबिलिटी, हम उल्टा नहीं कर सकते चीज़ों को, हमें लॉजिकल रीजनिंग कुछ भी नहीं आया, अभी हम छोटे हैं बहुत। देन कॉन्क्रीट 7 to 11 years, यहाँ पे आप रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, आप चीज़ों को समझ जाते हैं, इतना समझ जाते हैं कि अपने छोटों को भी समझाते हैं। देन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 and above, ठीक है। और इसमें आपका था एसिमिलेशन, न्यू नॉलेज, अकोमोडेशन, एग्जिस्टिंग और न्यू नॉलेज को कंबाइन करना, तो ये पियाजे का कंसेप्ट था। डेविड ऑसोबेल लर्निंग थ्योरी, जिन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग की बात की थी। हल ड्राइव थ्योरी, ड्राइव डिडक्शन थ्योरी, बहुत सारी और भी थ्योरीज हैं, तो की एलिमेंट्स को डिस्कस किया है मैंने इस क्लास में। आई होप आपको समझ आया हो, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। ये जो मैराथन सेशन है आपके लिए रिवीजन है, क्विक रिवीजन का टाइम है। तीन से क्वेश्चन मैं आपसे रेगुलर डिस्कस कर रही हूँ हर यूनिट के हिसाब से, और इन सेशन से क्या होगा, आपकी अच्छी रिवीजन होगी। रिवीजन तब होती है जब कुछ किया हो, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब वी आर टेकिंग प्री रिवीजन क्लासेस और मैराथन सेशंस। फिर एक बार सुनिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की हमने, पर्सनैलिटी एस्पेक्ट की बात की, फिर हमने बात की इंटेलिजेंस की, यूनिफैक्टर, मल्टी फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, मल्टीपल इंटेलिजेंस, देन गार्डनर की थ्योरी, मेटाकॉग्निशन, क्रिएटिविटी, फिर लर्निंग की बात की, लर्निंग मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर, प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉ, पावर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसमें हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स,
एक डेंसकिनर ओपन कंडीशनिंग थ्योरी, रैट पे एक्सपेरिमेंट था, रिस्पॉन्स पहले स्टिमुलस बाद में, टॉलमैन की मॉलर अप्रोच, परपसिव बिहेवियर, आपका कॉग्निटिव मैप, कीवर्ड्स देखिए, देन आपकी अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, अभी लास्ट फ्यू मंथ्स बैक इनकी डेथ भी हुई थी, ठीक है, गैने थ्योरी ऑफ लर्निंग, गैने ने जो 9 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, 4 आउटकम्स थे उनकी बात की, देन आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस और काउंसलिंग कैसे अलग हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं, इसकी मैं उसकी बात करूँ अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की थ्योरीज की, बिहेवियरल थ्योरी बिहेवियर को बताएगा, देन आपका आता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पे बेस्ड है, देन आपका कॉग्निटिव अप्रोच प्रेजेंट कंडीशन की बात करेगा, बिहेवियर कॉग्निटिव ह्यूमनिस्टिक, देन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कौन है, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, देन वी हैव दी सिस्टमैटिक जिसमें सिस्टम में बात करेंगे, हॉलिस्टिक टॉकिंग अबाउट योर दी होल एस्पेक्ट, ठीक है, थ्योरीज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग की दोबारा सुनिए, बिहेवियर जो बिहेवियर की बात करता है, कॉग्निटिव टॉकिंग अबाउट योर प्रेजेंट कंडीशन, ह्यूमनिस्टिक कार्ल रोजर्स की भाई इसे चाइल्ड सेंटर की बात करेगा, थ्योरीज डिस्कस कर देगा, देन आपका है साइको एनालिटिकल जो पास्ट में क्या हुआ, तो कुछ सिगमंड फ्रॉयड थे ना ये पास्ट की चीज़ों पे कि बच्चे के साथ कुछ पास्ट में हुआ है तो वो इम्पैक्ट अभी आएगा, और ऐसा होता भी है कि पास्ट में हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें रह जाती हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं हमारे प्रेजेंट पे भी, देन हॉलिस्टिक कंप्लीट, हम नाम से समझते हैं चीज़ों को, याद तभी रहेगा जब नाम से समझेंगे, हॉलिस्टिक कंप्लीट एस्पेक्ट, सिस्टमैटिक जो सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करता है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, मैथ में सेशन समझ आया हो, ठीक है, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।